मथुरा में दीपावली के त्योहार पर एक महिला पार्षद द्वारा की गई हर्ष फायरिंग के मामले में मथुरा की थाना गोविंद नगर पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर लिया गया है। नगर निगम मथुरा वृंदावन के वार्ड नंबर 50 की महिला पार्षद रश्मि शर्मा द्वारा दीपावली पर फायरिंग का एक वीडियो शेयर किया गया था, जिसे लेकर एक तरफ जहां शहर में जमकर चर्चाएं हुई, वहीं पुलिस ने थाना गोविंद नगर में महिला पार्षद के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। इस संबंध में जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी नगर विजय शंकर मिश्र ने बताया कि महिला पार्षद के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर हर्ष फायरिंग में प्रयोग किए गए हथियारों की जांच की जा रही है। वहीं इस संबंध में अपनी सफाई देते हुए वार्ड नंबर 50 की पार्षद रश्मि शर्मा ने इसे मामूली फायरिंग बताते हुए कहा कि दीपावली के त्योहार पर उनके यहाँ शस्त्र और शास्त्र दोनों की पूजा की जाती है। वे लाइसेंसी पिस्टल उनके एक परिजन की थी जो उसे साफ कर रहे थे, और ये फायर उसकी सफाई के पश्चात परीक्षण के तौर पर किया गया था, किंतु लोगों ने उसे बवाल बना दिया। ऐसे में उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को एक महिला का पार्षद होना हजम नहीं हो रहा है। ये जो पार्षद रश्मि शर्मा के खिलाफ जो मुकदमा पंजीकृत किया गया है, किन किन धाराओं में किया गया? रश्मि पार्षद द्वारा जो है फेसबुक पे एक पोस्ट वाले वीडियो वायरल किया गया, जिसमें इनके द्वारा जो है लाइसेंस स्लैश है जो है फायरिंग करते हुए दर्शाया गया है, जिसका संज्ञान लेते हुए गोविंद नगर पुलिस द्वारा जो है उनके खिलाफ लाइसेंसी स्लैश के दुरुपयोग के साथ अभियोग पंजीकृत किया गया है और विवेचना की जा रही है। तो सर, ये जो हथियार थे जिनसे ये फायरिंग कर रही थी, क्या पता चल पाए किसके थे? अब इसकी जाँच की जा रही है, मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अब जो है किसका असलाह था जो है और कहाँ किस स्थान फायरिंग कर रही है, उसकी जाँच की जा रही है।